नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश और आप सभी का स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास देखने वाले हैं जो कि सीजीपीएससी प्यून की मैथ्स का सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं। आज हम मैथ्स के संभावित प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि यहां पर देख सकते हैं कि पहला प्रश्न है गणित का, ठीक है। मैथ्स का क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा -4/7 के समतुल्य नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। यह सब पूरी तरह संभावित मॉडल आंसर है, एक बार मिलाते चलिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड क्वेश्चन है मैथ्स का, निम्न में से सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा कौन सा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सबसे छोटा -2/5। अगर भिन्न में पूछा जाता तो ऑप्शन ए होता, ठीक है। यहाँ पर अगर भिन्न पूछता तो ऑप्शन ए होता, लेकिन यहाँ पर सबसे छोटा पूछा गया है तो आंसर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 53 का नंबर, देखिए यहाँ पर केंद्र क्रमांक दिया हुआ, ये आपका सेट ए है, ठीक है। जिसका सेट ए है यहाँ पर मिलाते चलिएगा, या फिर कभी भी देखिए यहाँ पर ए बी सी डी इस प्रकार पूछा गया है तो आपका इधर उधर नंबर हो सकता है, ठीक है। हाँ चलिए, राजू क्या बोल रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, ठीक है। इसका क्या बताया मैं आपने यहाँ पर, तो इसका डी हो जाएगा, ठीक है, 20 आ जाएगा, ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो। चलिए नेक्स्ट है आपका 37 प्रति किलोग्राम की दर से 8 × 1/2 किलोग्राम शक्कर का मूल्य कितना होगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर शक्कर का मूल्य होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे कि 55 नंबर का है, केंद्र क्रमांक इधर उधर हो सकता है, ठीक है, ये सेट का ए है, आपको सेट होगा बी सी डी, है ना, तो क्रमांक इधर उधर दिया होगा तो एक बार मिलाते चलिएगा, ठीक है। ये एक व्यक्ति प्रति माह अपने वेतन का 12% यानी कि बचाता है, यदि उसका वेतन 2500 रुपये है तो उसकी प्रति माह खर्च कितना होगा, प्रति माह पूछा गया है, तो इसका आंसर बी होगा, ठीक है, ना कि ए होगा, ठीक है, इसका आंसर बी होगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर, हिंदी का थोड़ा बच गया है तो इसको देख लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखते हैं कि आनंद विश्वनाथन खेल किससे संबंधित है, जो कि आनंद विश्वनाथन है वो आपका शतरंज से है, ठीक है, शतरंज से संबंधित है। उसके बाद कोविड-19 का सर्वप्रथम पाया गया, तो कोविड-19 सबसे पहले कहाँ पाया गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वुहान में। इसके बाद बात करें तो प्रसिद्ध सिरपुर मंदिर किस नदी के किनारे हैं, जो सिरपुर मंदिर है आपका महानदी के किनारे है, कहाँ है, महानदी के किनारे, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, मिलाते चलिएगा, ठीक है। जो लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्या करोगे, सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है। आज रात 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की क्लासेस लगने वाली है, ठीक है, 26 सितंबर से प्रारंभ होने जा रही है। छात्रावास अधीक्षक सब इंस्पेक्टर एडियो तीनों ही परीक्षाओं के लिए बिल्कुल निःशुल्क कोर्स रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, प्रसिद्ध सिरपुर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, जो सिरपुर मंदिर है, ठीक है, महानदी के किनारे स्थित है। उसके बाद भारत का संविधान किस सन में लागू हुआ है, तो भारत का जो संविधान है 1950 में लागू किया गया, कब लागू किया है, 1950 में। देखिए यहाँ पर मारो फिरंगी है किसका नारा है, जो मारो फिरंगी है वो मंगल पांडे का नारा है, ठीक है, ये डी नहीं होगा, सी आंसर होगा, ठीक है, मारो फिरंगी का जो नारा है मंगल पांडे का होगा। प्रसिद्ध जलाशय यानी कि खूटाखाट प्रदेश किस जिले में है, जो खूटाखाट है ये यहाँ पर आएगा डी सी, ठीक है, बिलासपुर में, ठीक है, सी आ जाएगा इसका, बिलासपुर में। मैं देखिए यहाँ पर मिलाते चलिएगा, मैथ्स का क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है, मैथ्स का सॉल्यूशन देख रहे हैं। 56 का है, एक त्रिभुज के दो कोण 48 और 73 हैं, जबकि त्रिभुज का तीसरा कोण क्या होगा, तो तीसरा कोण आपका डी हो जाएगा, 59, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ए तथा बी के बीच 20 मिठाई हैं और 2:3 के अनुपात में बांटी गई है, तब बी का कितनी मिठाई मिलेगी, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, 12। देखिए यहाँ पर ए और बी के बीच में, ठीक है, ए और बी के बीच में इसको बिठाए 20 मिठाई है, ठीक है, तो इसको बांटेंगे कितना हो जाएगा, 2:3, यानी कि अगर इससे अगर ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे x²-5x+6 का x=3 का मान रखेंगे, जब x का मान कितना रखना है, यहाँ पर 3 रखना है, x का मान 3 रखोगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 0 इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक स्कूटर का मूल्य 40,000 है, ठीक है, इस वर्ष में उसके मूल्य पर 20% की वृद्धि की जाती है, 20% का अगर मान लो जाए वृद्धि की जाएगी तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। उसी प्रकार तब इसका स्कूटर का वर्तमान मूल्य पूछा गया है, तो इसका कितना आ जाएगा, 48,000 आ जाएगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे 60वां नंबर का है ये वाला, इसका मान आपका हो जाएगा, आंसर डी होगा, ठीक है, एक बार मिलाते चलिएगा मैथ्स का, ठीक है। सीजीपीयून की तैयारी कर रहे हैं, मतलब इसके एग्ज़ाम के लिए, सीजीपीएससी प्यून का जो एग्ज़ाम हुआ है 25 सितंबर को, ठीक है, उसी का ये आंसर देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे
इसका भी आंसर देख सकते हैं यहाँ पर। मोहन की तनख्वाह 10% की वृद्धि की जाती है और उसकी नई तनख्वाह 13,200 रुपये है। तो मोहन का वास्तविक तनख्वाह पूछा गया है, क्या पूछा गया, वास्तविक तनख्वाह। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 12,000 रुपये इसका वास्तविक तनख्वाह हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 62 नंबर से, ये 62 नंबर का आंसर आप मिला लीजिएगा। देखिए यहाँ पर राम के पास 4,250 है, जब 20% खर्च कर दिए हैं तो उसके पास कितने रुपए बचेंगे, तो 3,400 रुपये बचेंगे, इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद है, एक मशीन 6 घंटे में 840 बोतलों को दूध को भरती है, तो 4 घंटे में कितना बोतल भरेगा, तो 560 हो जाएगा, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, मिलाते चलिएगा। वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितनी है, देखिए वर्ग यहाँ पर देख सकते हैं वर्ग की जो भुजा है उसकी लंबाई, यानी कि 4a वाला जो फार्मूला होता है उससे बनाएंगे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक ट्रक 20 मिनट में 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जो एक ट्रक है, ठीक है, 20 मिनट में कितना जा रहा है, 16 किलोमीटर दूरी तय करता है, यदि उसकी गति समान है तो वह 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो इसका आंसर 192 हो जाएगा। कैसे होगा तो ध्यान से समझिएगा। देखिए 20 मिनट में जब 16 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो 1 घंटे का कितना मिनट होता है, 1 घंटे का आपका 60 मिनट होता है। ठीक है, तो 60 जो इसको गुना कर देंगे, 60 चौंक कितना होता है, 6 चौंक 24, यानी कि 240, ठीक है, इतना आ जाएगा। अगर उससे आप गुना करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, 192। उसके बाद है आपका, यदि 5x+3=3x+7 तब एक्स का मान क्या होगा, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, बी आ जाएगा, 2 आएगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए प्यून भर्ती में मैथ्स का क्वेश्चन हम देख लिए हैं, जितने भी सॉल्व किए हैं यहाँ पर संभावित है। ठीक है, आप एक बार मिलाकर जरूर देख लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।